दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑप्शन से जुड़ी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑप्शन की जो प्रक्रिया रखी गई है वो प्रसार भारती की ओर से डीडी फ्री डिस्क के MPEG-2 स्लॉट्स के लिए रखी गई है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्री डिस्क की 77E ऑप्शन से जुड़ी। लेकिन इस जानकारी को देने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी DTS से जुड़ी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स हमारे सेकंड YouTube चैनल वहाफिर रेडिस 2 भी अवेलेबल है, जिस पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवी एंड लेटेस्ट शो की जानकारी आप तक पहुंचती है सबसे पहले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो दोस्तों ID को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की ओर और बात करते हैं डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑप्शन से जुड़ी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑप्शन से जुड़ी सभी जानकारियां आप सबको मिल चुकी है, जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑप्शन में जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी 27 मई 2024 को दोपहर के 3 बजे से पहले। और वहीं बात करें प्रसार भारती की ओर से जो ई ऑप्शन की प्रक्रिया की डेट रखी गई है वह 28 मई 2024 यानी आज। जी हाँ, डीडी फ्री डिस्क की आज 77E ऑक्शन की प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें आज देखना होगा कि कौन सा चैनल अपना स्लॉट विन करने में कामयाब रहता है, क्योंकि डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑक्शन सिर्फ एक ही स्लॉट के लिए रखी गई है। और अब देखते हैं कि कौन सा चैनल बाजी मारता है जो कि आपको डीडी फ्री डिस्क पर देखने के लिए मिलने वाला है। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे कोई अच्छा चैनल ही डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑक्शन में अपना स्लॉट विन करने में कामयाब रहे, ताकि डीडी फ्री डिस्क के MPEG-2 यूजर्स को एक और अच्छा चैनल देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज शाम तक कौन से नए टीवी चैनल्स का नाम सामने आता है जो कि डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑक्शन में अपना स्लॉट विन करने में कामयाब रहेगा। और फ्रेंड्स हो सकता है कि प्रसार भारती की ओर से आज शाम तक ही डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑक्शन का ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि प्रसार भारती की ओर से 77E ऑक्शन की जो घोषणा की गई है वो सिर्फ एक स्लॉट के लिए की गई है। और एक स्लॉट के लिए प्रसार भारती हो सकता है आज ही ऑफिशियल रिजल्ट घोषित कर दे। और फ्रेंड्स जैसे ही प्रसार भारती की ओर से ऑफिशियल रिजल्ट घोषित होगा हम आपको उससे जुड़ी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी थी कि डीडी फ्री डिस्क के 77E ऑक्शन की आज प्रक्रिया होने जा रही है और देखना होगा कि कौन सा नया टीवी चैनल आज अपना स्लॉट विन करने में कामयाब रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि डीडी फ्री डिस्क से जुड़ी हमने आप सभी को दी। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।